सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट रूल्स में। तो भाइयों, फिर से हम आ गए एक और नई और कमाल की लाजवाब वीडियो के साथ। तो यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं चेन्नई की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है आईपीएल 2021 के लिए। तो इस बार चेन्नई बड़ी सेटल लग रही है क्योंकि उन्होंने ऑक्शन में कई अच्छे खिलाड़ियों को खरीदा है। तो आपको पता है भाई, ओपनिंग में तो हमारे पास गायकवाड़ रहेंगे और ड्यूप्लेसिस रहेंगे। भाई गायकवाड़ का स्टार्टिंग में जो पिछला सीजन था वो थोड़ा ख़राब गया था, लेकिन लास्ट के 3 मैचों में जो उन्होंने कमाल की पारियां खेली है ना, उनकी बदौलत उन्हें इस साल मौका मिल सकता है ओपनिंग के लिए आईपीएल में। तो यहाँ पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, दूसरे ओपनर रहेंगे फाफ ड्यूप्लेसिस। उन्होंने भी पिछले साल बड़ा ही अच्छा काम किया था, चेन्नई की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे आई थिंक वो पिछले साल। नंबर 3 पर भाई रैना ने वापसी कर दी इस सीज़न, तो नंबर 3 पर तो डेफिनेटली रैना खेलेंगे। नंबर 4 पर आते हैं रायडू, यहाँ पर नंबर 4 पर रायडू खेलेंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता था हमारे पास कि रायडू की जगह उथप्पा खेल सकते हैं, लेकिन रायडू कई सालों से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उथप्पा को मौका देंगे वो। नंबर 5 पर हमारे पास है धोनी तो खेलेंगे ये तो कन्फर्म है। नंबर 6 पर आते हैं मोइन अली नंबर 6 पर खेलेंगे। मोइन अली की जगह हम यहाँ पर रख सकते थे ड्वेन ब्रावो को भी, लेकिन ब्रावो का पिछले साल कुछ फॉर्म ऊपर नीचे था, तो लगता है यहाँ पर मोइन को ही मौका मिलेगा क्योंकि मोइन यहाँ पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे, यहाँ पर स्पिन भी दे सकते हैं वो टीम को और वहाँ पर अपनी वो हिटिंग कैपेबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 7 पर आते हैं जडेजा को तो भाई टीम से निकाल ही नहीं सकते ये भी, मतलब यहाँ पर तो डेफिनेटली जडेजा खेलेंगे। नंबर 8 पर आते हैं हमारे पास सैम करन का भी फॉर्म अच्छा है, वो तो डेफिनेटली 100% खेलेंगे भाई। नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर ने तो भाई खैर ही डा दिया इस साल, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खैर डा दिया है, तो मुझे नहीं लगता धोनी उन्हें बाहर बैठाएंगे इस साल। नंबर 10 पर आते हैं चहर तो चेन्नई के भाई मेन बॉलर हैं, वो खेलेंगे नंबर 10 पर चहर। यहाँ पर लास्ट हमारे पास बचते हैं, यहाँ पर या तो हम यहाँ पर एंगड़ी को खिला सकते थे या इमरान ताहिर को खिला सकते थे। तो धोनी को भाई यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो यहाँ पर विकेट निकाल के दे सके मिडिल ऑर्डर्स में। तो ताहिर को तो भाई आप जानते हो, मतलब ताहिर माशाल्लाह, मतलब बीच ओवर में क्या विकेट निकालते हैं वो। तो यहाँ पर लेग स्पिन प्रदान करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ताहिर रहेंगे सबसे लास्ट में। हो सकता है अगर ताहिर का सीजन बेकार जाए तो बाद में एंगड़ी को मौका मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि ताहिर ही खेलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।